नमस्कार मेरी प्यारी बहन जी लोगों, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा जो वीडियो है वो एक दिन लेट हो गया है। और इसमें मेरे को गलती नहीं है, इसमें गलती है डीजे गंज वालों की। कैसे? अब आपने कल ही देखा था कि पुतन अपने ससुराल पहुँच गई थी नन्नूपुर, हंसी खुशी से पहुँची हुई थी। और मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी, मैंने शूट करना भी था, पर रात में कुछ काम आ गए थे तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं सुबह उठ के शूट कर लूँगी। अब मैं सुबह उठ के क्या देखती हूँ कि पुतन तो फिर से उड़ चली डिज्जेगंज वापस। मुझे फिर से स्क्रिप्ट चेंज करके फिर से बनानी पड़ी वीडियो। तो मैं अब नई स्क्रिप्ट के साथ नया वीडियो बना रही हूँ आपके सामने, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश स्क्रिप्ट के साथ फ्रेश फ्रेश वीडियो। देखिए, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स ने बहुत तभी कल ही बोल दिया था कि उसका प्रूफ भी है, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। होंगे ऐसे कमेंट जहां पे लिखा जा रहा था कि ये ना रहने की वहां नन्नूपुर, ये ना रहने की, ये उड़ जाएगी वापस, भग लेगी भग लेगी। तो मैंने सोचा कि भाई, मतलब कोई इंसान सोचेगा कि क्यों भग जाएगी, आखिर ऐसा क्या होगा। खुशी खुशी तो आई है अभी अभी नन्नूपुर, और बोल भी रही है कि मैं बिलोग बनाऊंगी, रूटीन बिलोग बनाऊंगी, कपल एक्टिविटी बिलोग बनाऊंगी, दूध वाले भैया का बिलोग बनाऊंगी, अलमीरा का बिलोग बनाऊंगी, सोफे का बिलोग बनाऊंगी, सोफे कम बेड का बिलोग बनाऊंगी, डाइनिंग टेबल का बिलोग बनाऊंगी, रसोई का बिलोग बनाऊंगी, नहीं, छत का भी लोग बनाऊंगी, छत के नीचे बैठे लोगों का भी लोग बनाऊंगी, छत के ऊपर उड़ने वालों का भी लोग बनाऊंगी, छत के बाजू में पेड़ों का भी लोग बन, मतलब सारे के सारे भी लोग मैं नन्नूपुर से बनाऊंगी। खुद ही तो बोल रही थी हंसी खुशी, फिर क्यों उड़ चली वो दोबारा से डीजेगंज? पुतन डीजेगंज में क्यों भग के आई है? इसका जो बहाना लगाया था इन लोगों ने, पहले भी लगाया था, हम सबने सुना था, काला महीना का एक्सप्लेनेशन दिया था, जो ऑब्वियसली झूठा था। ये काला महीना बस इन्होंने अपने चिलम चाटों के मुंह पे, लोगों के, एक्चुअली सबके मुंह पे पीला लपेटने की कोशिश की थी काला महीना बोल के, और चिलम चाटों के मुंह पे पीला लिपट भी गया था। उन्होंने चाट के बोला भी था, वाह जी, एक नंबर लपेटा है आपने। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे देखने वाले नहीं मान रहे थे ये वाली बात, काले महीने वाली बात लोगों ने नहीं मानी थी, समझने वाले समझ गए थे। वैसा ही एक फ्रेश फ्रेश बहाना आया है, इस बार आया है कि दूर के रिश्तेदार की शादी है, इसलिए पुतन परी को उड़ के वापस, परी तो नहीं अब बोलेंगे, पुतन को वापस उड़ के डीजेगंज जाना पड़ गया। देखिए, काले महीने के अभी हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे, काले महीने से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे। पहली बात तो यही पूछी थी कि ज्यादातर ऐसी चीजें जो है शादी के पहले साल में चलती हैं, और ये अभी क्यों चल रही है इनके यहाँ पर। वैसे भी ये लोग तो रीति रिवाज नहीं मानते डीजेगंज वाले। और इसके अलावा हमने बहुत कुछ पूछा था, जैसे कि काले महीने में अगर ठीक है साथ रहना अलाउड नहीं हो सकता होगा, तो क्या लप्पा झप्पा अलाउड है? तो उसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है, ना ही आएगा। ऐसे ही हम आगे और भी सवाल पूछेंगे, अब काले महीने से रिलेटेड नहीं, अब हम शादी ब्याह से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो बहाना देते हुए ये बोला गया कि क्योंकि शादी आ गई है दूर के रिश्तेदारी में, तो ननवे को भी जाना है और उसकी मी को भी जाना है, इसलिए पुतन घर में अकेली रह नहीं सकती है, इसलिए उसको वापस डीजेगंज भेजा जा रहा है, जहां पे ऑलरेडी कोई रहता ही नहीं है। जैसे कि हम सब ने देखा, हम सब जानते हैं, डीजे मी हमारी जो है एक नंबर की एकदम बटरफ्लाई है, एकदम कलरफुल बटरफ्लाई, कभी इस डाली कभी उस फूल, मतलब दूसरे स्टेट पे पहुंच जाती है वो तो पुतन यहाँ को छोड़ के। अब बचा बत्ती चोर, अब बत्ती चोर यहाँ वहाँ एक गांव में चोरी करे, कभी दूसरे गांव में चोरी करे, कभी चोरी करने साइट पे भी जाता है, और फिर ढेबरी में संभाल लिया, तो मतलब ढेबरी संभालेगा कि बहन संभालेगा शादीशुदा वो भी। अच्छा, मजे की बात सुनिए, खुद अपने मुंह से चार बार बोले कि दूर के रिश्तेदारी में है, दूर के रिश्तेदारी में शादी है। अगले दिन पुतन को भगा के, पुतन को पहले विदा कर दिया, उसके बाद ननुए ने फोन पे बात करते हुए दिखाया पुतन से, और उसमें खुद ननुए ने बोला कि उसको भी नहीं पता है अभी कि उसको जाना है वहां पे शादी में कि नहीं जाना है। पर घर आई हुई लुम्बड़ को इन्होंने ताबड़तोड़ भगा दिया, 24 घंटे भी नहीं रहने दिया, भगा दिया वहां से, एकदम गायब कर दिया उसने वहां। अच्छा, दूर की रिश्तेदारी इतनी दूर की है कि ये एक दूसरे से पूछते हुए पाए गए बिलोग में कि कितने दूर की रिश्तेदारी है, इनको ये भी नहीं पता था कि रिश्तेदारी दूर की है कि दूरी दूर की है, मतलब डिस्टेंस दूर रहते हैं, ये भी नहीं पता था। पुतनिया वैसे होटल विच घूम सकती है, होटल टू होटल, वन होटल फ्रॉम टू होटल, सड़कों पे घूम सकती है, पहाड़ों विच घूम सकती है, पैदल घूम सकती है, सब कर सकती है, लेकिन दूर के रिश्तेदार की शादी में अटेंड नहीं कर सकती। अब इसमें मैं गलती जो है पुतनिया की बिल्कुल नहीं गिना रही हूँ, इसमें गलती है ननुए की, क्योंकि
ऐसी जगह जहां पे उसकी लुगाई को घर उसके लुगाई को परमिशन ना हो कि वो घर आके शादी अटेंड कर सके, ऐसे रिश्तेदार के घर अपनी माई को भेजना कहां तक सही है या खुद भी जाना सही नहीं है? क्या हमारे पुतनिया ने इतनी इज्जत कमाई है यूट्यूब पर कि कोई इसको अपने घर ही नहीं लेना चाहता है? यहां से भगा रहे हैं, वहां से भगा रहे हैं, कोई मना ही कर दे रहा है कि तू हमारे घर ही मत आई हो। क्या इतनी इज्जत कमाई है पुतनिया ने? देखिए, इस पॉइंट पर मुझे अपनी पुतन लोमड़ पे बहुत तरस आता है तो लोमड़ लेकिन तरस आता है। आखिर लोमड़ भी इंसान लोमड़ी इंसान नहीं होती है, लेकिन लोमड़ी के अंदर दिल होता है, इमोशंस होते हैं, इमोशनल होते हैं लोमड़ियाँ भी, आई थिंक सो। बिल्लियाँ रोती हैं तो लोमड़ भी रोती होंगी। अरे मतलब कुल मिला के तरस आता है। देखिए, डीजे गंज में पुतनिया जो है एक हाउसर की हैसियत से रहती है, उसको वहां पे बोला जाता है तो काम करती रहेगी, डब्बे भरती रहेगी, तो यहाँ रह सकती है, खा सकती है। लेकिन नन्नूपुर में उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है, उसको बोलता है कि तू बैठ के खा ले, रसोई में उसकी एंट्री है नहीं, बाहर उसको बना के दे दिया जाता है, तो यहीं बैठ खा और निकल ले यहाँ से। हाउस हेल्प की हैसियत से भी उसको रखने को नन्नूपुर में कोई तैयार नहीं है। खुद ही बोल रहे हैं कि दूर की शादी है, मतलब ये क्या बात हुई बताइए? दूर की शादी है, उसमें जाना भी है कि नहीं जाना अभी इनको पता नहीं है, और इन्होंने घर आई लोमड़ को भगा दिया, फटाफट से भगा दिया, उसको भगा दिया भगा दिया, लेकिन कॉन्टेंट आया था उसको भी भगा दिया, उसको भी चलता कर दिया। कंटेंट में वापस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पुत्र ने अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जिसमें ये बोली थी कि मैं अपने कंटेंट को अब कंटेंट नहीं बनने दूंगी, मैं उसको लेकर सिग्नल टू सिग्नल नहीं जाऊंगी और खुद किसी और को भी नहीं जाने दूंगी, मैं खुद भी नहीं जाऊंगी और किसी और को भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं हो रहा है, कंटेंट फिर से कंटेंट बन गया है और उसको भी भगा दिया गया वापस डीजे गंज। और आपको याद होगा इसी डिसीजन की वजह से उसको कैंपस से फटाफट से भगा दिया गया था और शायद डीजे गंज में भी उसकी एंट्री फटाफट से खत्म कर दी गई थी। लेकिन शायद अब क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कंटेंट कंटेंट ही रहेगा, क्या पता इसीलिए डीजेगंज में वापसी हो रही हो पुत्तन की फिर से फटाफट से। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन बनी है डीजेगंज और नन्नूपुर के बीच में, इस सिचुएशन पर बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे व्यूज आने वाले हैं अलग अलग तरह के, और किसी को भी किसी भी व्यू को एकदम से गलत बोल देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक ग्रुप है लोगों का जिनका ये व्यू है कि जो नन्नूपुर की जो नन्नुआ की मी है उनका जो नेचर है एकदम चिड़चिड़ा टाइप का, जो नेचर है उनका एकदम चिड़चिड़ा है, एकदम वो एकदम भनकी हुई रहती है, एकदम सनकी हुई रहती है। उन्होंने बोला होगा पुतन को कि तू बगले यहाँ से, तू निकल मेरे घर से, तू यहाँ ना आए, तो जा अपने डीजे गंज में जाके रहे, ऐसा लोगों को लगता है। अब इस वाले जो व्यू पॉइंट जो ये वाला है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। जैसे कि आपने दोनों के बिलॉग देख ही लिए होंगे और दोनों के बिलॉग में ये दिखाया गया है कि जो सासू मी है उसने पुतन को रोटियां बना बना के खिलाई, पराठे बना बना के खिलाए, यहाँ तक कि वो कंटेंट को गोद में खिलाते हुए भी नजर आई। जब ये पुतनिया वहां से विदा हो रही थी, अच्छे से हंसी खुशी उसको विदा कराए, गाड़ी तक छोड़ने भी आई, बैठाने भी आई, तो जो भी बिलोग आए थे वो हंसी खुशी वाले आए थे और 10 बार सासू मी से बुलवाया भी गया कि वो खुश है कि नहीं है, तो वो 10 बार बोली कि मैं बहुत खुश हूँ, मंद मंद मुस्करा रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन जो है ठीक ठाक थे, खाना बनाने भी आ गई थी वो, तो लगता नहीं है कि वो एकदम चिड़चिड़े टाइप के नेचर वाली लेडी होगी। एकदम चिड़चिड़ी तो नहीं होगी क्योंकि सासू कितनी भी बड़ी एक्टर हो, बहुरिया को खाना बना के हाथ में देना मतलब बड़ी चीज होती है, उसके बाद गाड़ी में बैठाने भी आई, तो इतना भी एक्टिंग मुझे नहीं लगता कि वो करती है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा, जब नेचर की बात चल निकली है तो मुझे ना एक ऐसे ही जोक याद आ गया, आप लोग सुनिए, आपको मजा आएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल्स होते हैं ना, तो स्कूल्स में समय समय पर इंस्पेक्शन भी करने आते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी जाते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं, बच्चे कौन से सिचुएशन में रहते हैं, वहाँ पे क्या है, कैसे सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सब इंस्पेक्शन करने टाइम टाइम पर जाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक स्कूल होता है, वहाँ पे एक ये इंस्पेक्शन करने जाते हैं अधिकारी, और वो पूछताछ जैसे बच्चों से भी करी जाती है, तो बोर्ड पे वो लिखते हैं NATURE, और बच्चों से पूछते हैं, एक बच्चे को खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ ये क्या लिखा है, तो बच्चा बोलता है नटूरे।
तो उनको लगा कि चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, एक आध बच्चे ऐसे हो जाते हैं क्लास में। तो उन्होंने उसको कहा कि चल तू ठीक है, तू बैठ जा। फिर किसी और को खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये क्या लिखा है, तो वो बोलता है नट्टू रे। तो फिर अधिकारी को लगता है कि ये दोनों दोस्त होंगे, चलिए किसी तीसरे से पूछ लेते हैं। तो वो तीसरा वाला भी बोलता है नट्टू रे। तो अधिकारी सोचता है ये जरूर डीजेगंज से आए हैं, चलिए और किसी से पूछ लेते हैं। तो ऐसे करते करते पूरी क्लास से पूछ लेते हैं और वो यही बोलते हैं सारे के सारे नट्टू रे। तो अधिकारी जो है एकदम सनक जाता है, एकदम भनक जाता है, एकदम तिल मिला जाता है। वो टीचर को बुलाता है, उनके टीचर को, और बोलता है कि इधर आओ, ये तुमने क्या पढ़ाया है बच्चों को, मैं इन सबको निकाल दूंगा यहाँ से। ये कैसे बच्चे हैं ये, तुम मतलब कुछ सीखते विकते नहीं है क्या, तुम सिखाते हो, ये सीखते नहीं है तो तुम लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, उनको निकाल देंगे, ये नाम खराब कर देंगे, ये है वो है, खूब भड़कता है। तो टीचर बोलता है कि नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, बच्चे छोटे हैं, इनके फटूरे खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो दूसरे लोगों का व्यू है इस बारे में, दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये भी है कि पुतनिया इसीलिए ही नन्नूपुर में गई क्योंकि वहां पे उसकी सासू मी नहीं थी और नन्नू के पैसे खत्म हो गए थे होटल विच घुमाने सुमाने के। तो पुतनिया ने सोचा कि जब घर खाली पड़ा है तो इधर उधर लप्पे झप्पे क्यों डाले जाए, चाहे घर पे जाए, मस्त लप्पे झप्पे डाले और भग लिया जाए वहां से। तो इसलिए पुतन जो है सासू मी के आते ही वहां से निकल ली, भग ली। अब मुझे इस पे भी थोड़ा सा डाउट इसलिए पड़ता है कि अगर इनको यही प्लानिंग होती कि चुपे चुपे मिलना है, चुपे चुपे लप्पे झप्पे डालने और चुपे चुपे वहां से भग लेना है, तो फिर ये जो नन्नू ने अपनी मी को कॉल, वहां से आने से पहले ही अपनी मी को कॉल लगा दिया था कि पुतनिया आ रही है, कंटेंट को भी ला रही है, हम तीनों मिलके आ रहे हैं घर में, तो ये काम वो नहीं करता ना, मतलब कॉल लगाता नहीं अपनी मी को, किसी को पता ही नहीं चलता। ये लोग घर आते, लपे झपे डालते और पुतनिया भग लेती वापस, कोई ब्लॉग भी नहीं आता, किसी को क्या पता चलना था कि एक रात ये कहाँ रुकी, क्या करा इसने, किसको क्या पता चलता है। लेकिन इन्होंने ब्लॉग बनाया, मी भी आई, सबको दिखाया तो और इन्फॉर्म भी करा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये इनका प्लान रहा होगा। और देखिए, इनके ब्लॉग देख के लगा भी था कि सास बहू ने आपस में एकदम सेटिंग कर ली है और इनका पूरा मन बन चुका है कि 1 साल तक कम से कम ये जुदा नहीं होंगे, क्योंकि पुतनिया नाच नाच के बोली थी कि अब वो ब्लॉग बनाएगी, घर सेट करके दिखाएगी, फर्नीचर सेट करके दिखाएगी और सासू सेट करके दिखाएगी, कुल मिला के सब कुछ सेटिंग ससुराल में करके वो दिखाएगी। तो इनका कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि वहां से गायब हो जाएगी। और देखिए, दूसरी बात आती है शादी की, कि शादी अचानक से पड़ गई, तो ऐसे देखिए होता तो नहीं है। नॉर्मली क्लोज की रिश्तेदारी हो तो 6-6 महीने पहले लोगों को पता होता है कि इसकी 6 महीने बाद शादी होने वाली है इस घर में, तो लोगों को पता रहता है, आइडिया रहता है। चलिए थोड़े दूर की रिश्तेदारी है तो 1-2 मंथ पहले तो पता रहता है, चलिए उतनी भी बातें नहीं होती आपस में, तो 10 दिन पहले तो इंसान फोन करके बताता ही है ना कि शादी है, आप लोगों ने आना है, कम से कम 10 दिन पहले, 5 दिन पहले एटलीस्ट। मुझे तो इनके रिश्तेदार भी समझ में नहीं आए, सेम डे शादी है और उसी दिन ये लोग फोन करके इनको बोले हैं कि जल्दी से चले आओ, तुम लोग शादी अटेंड कर लो, ननुए को पहले से पता नहीं था, ऐसे पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पुतनिया की शादी रिपीट मोड में चल रही हो, लड़का मिल गया बस पकड़ के शादी कर लो फटाक से, जैसे फटाफट से लड़का मिला था, फटाफट से शादी हो गई थी पुतनिया की, वैसे ही हो रहा है कहीं पे, ऐसा लगता है मुझे। फिर लास्ट पॉइंट ये बचता है कि नंदी रानी सेट नहीं हो रही होगी उससे पुतनिया से। तो देखिए, नंदी रानी का इतना कुछ बनता नहीं है, नंदी रानी इनकी उसकी शादीशुदा है, कभी कभी मेहमानों की तरह आती है, मेहमानों की तरह चली जाती है, कुछ सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसके चक्कर में बहुरिया थोड़ी ना भगा देंगे अपनी। अब देखिए, एक और व्यू पॉइंट है जो मेरा व्यू पॉइंट है, ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आया है कि चूंकि इस बार पुतनिया फिर से चकमा देके भगी थी डीजे गन से, घर में बोली थी, घर में उसने बताया था कि वो सहेली के यहाँ जा रही है, लेकिन वो निकल ली थी ननवे संग गुटला विच लप्पे झप्पे डालने, बते ने बोला था कि सहेली के यहाँ जा रही है, एक्चुअली सहेली ननवा ही निकला, ननवे के साथ घूम रही थी और ये पूरा सामान समेट के गई थी अपना, आपने देखा बड़े बड़े बैग वैग सब लेके घूम रही थी। तो डीजेगंज वाले कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये पुतनिया जो है अब गई हाथ से, हाउस हेल्प फ्री की चली गई, अब डब्बे भरने की सुविधा भी पुतनिया नहीं देगी, पुतनिया के संग उसकी कमाई भी चली गई, उसका कंटेंट भी चला गया, सब कुछ चला गया, खाली हाथ है। आपने देखा भी होगा ना, बत्ती का ब्लॉग देखा था कि नहीं देखा था, बत्ती के ब्लॉग में डीजे मी अपने डब्बे बाहर रखकर खुद खाली कर कर खुद धो रही थी और सुखा रही थी और बोल रही थी, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर बत्ती बदतमीज के चैनल पर, मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है, मैं डब्बे धो रही हूँ और ये बहुत जल्दी भरे जाएंगे। भरेगा कौन, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, पर ऐसे बोली थी,
आई एम लिटरली क्राइंग रे पुतनिया, कम बैक सून एंड फिल माई लवली टपास। देखिए डीजे मी का पूरे 4 साल का रिकॉर्ड है, तीन तीन चार चार चैनलों पे पड़ा हुआ है कि डीजे मी कभी खुद डब्बे नहीं भरती है, कभी खुद राशन लेके नहीं आती, अगर वो ज्यादा से ज्यादा कुछ लाती है तो वो होते हैं समोसे। और मुझे तो बहुत ज्यादा इस बात पर डाउट है कि समोसा के पैर भी पुत्तन से लिए जाते होंगे पॉकेट मनी के नाम पर, उसके बाद ही समोसे लाए जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर से हो गई होगी डीजे मी इमोशनल, मे बी शी वॉज लिटरली क्राइंग रे ऑन द रोड इन विच सिचुएशन यू ऑल कैन गैस। और बत्ती भी तो आ गया है सड़क पर, देख लो 4 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला उसने, कोई कॉन्टेंट ही नहीं है उसके पास। अब पुतन वहां पहुंच जाएगी तो फिर कुछ भी लोग आ जाएंगे उसके, और वैसे भी इन्होंने देखा होगा जब कंटेंट ने सिग्नल पे खड़े होना ही है तो इनके एरिया के सिग्नल पे क्यों नहीं खड़े होंगे, नन्नूपुर के सिग्नल पे क्यों जाएगा वो, यहाँ पे खड़े होंगे उसको लेके और पह बना लेंगे थोड़े बहुत, और क्या पता कुछ गोली वोली भी दे दियो, लल्लू बना दिया हो पुतन को, जैसे कि पहले बत्ती ने लाइव में डिक्लेयर करा था कि कंटेंट और पुतन का स्वागत वो धूमधाम से ढोल धमाके के साथ करेगा, तो ऐसे ही इन्होंने बोल दिया हो कि अरे तू यहाँ आजा, हम तुझे ढंग से विदा करेंगे, अच्छे से विदा करेंगे ढोल धमाकों के साथ, ऐसा कुछ। वरना देखो ये कम से कम ये लोग 10 बार बोले हैं ननुआ और पुतन कि सिर्फ 2 दिन के लिए डीजे गन जा रही है, सिर्फ 2 दिन के लिए डीजे गन जा रही है, और इतने बड़े बड़े बैग भी दिखाए साथ में जाते हुए कि साथ में इसके 2 बड़े बड़े, अब 2 दिन के लिए कोई इतने बड़े बैग लेके थोड़ी ना जाता है। तो लास्ट में क्या है फिर, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे लगता है कि ननुआ एकदम सुपर चंट आदमी निकला, एकदम चंटों में से चंटा, मतलब इंगुड़ी को पीछे छोड़ जाए उतना चंटा। कैसे, इसने बोला होगा तू सच्ची मुच्ची में डीजे गंज वालों को सरप्राइज है, अरे सरप्राइज वो थोड़ी ना है कि वो वहां पर चली जाएगी तो सरप्राइज हो जाएगा, ये कोई सरप्राइज हुआ? सरप्राइज ये हो सकता है कि जो पुत्तन है वो गई है वहां से अपना पूरा का पूरा सामान समेटने, आपने देखा था उसने वहां पर बहुत सारी शॉपिंग की थी, जैसे कि AC लगवाया है, बहुत सारे कपड़े मंगाती रही है, स्ट्रोलर है, ये वो सब कुछ वहीं पर रखा उसका। तो हो सकता है कि ननुआ ने भेजा हो जा पूरा सामान साफ करके ला, क्योंकि देखो पुलिया में सामान ननुआ पकड़ाने जाता था, डीजे में और बत्ती नहीं आने वाले इसको सामान पकड़ाने के लिए, तो इसको ये काम खुद ही करना पड़ेगा। तो ननुआ ने बैग के साथ भेज दिया है, अब बैग अंदर से खाली है कि भरे हुए ये हम थोड़े ना जानते हैं, हमें क्या पता, क्या पता यहाँ से खाली बैग लेके जा रही है और वहां से भर के वापस आएगी, तो यही सरप्राइज होगा, तो डीजे गंज साफ करके निकलेगी अब पुत्तन वहां से। बाकी देखिए आपने इतने टाइम वेट करा है, 3 महीने आपने पूरे के पूरे काला महीना मनाया इनके साथ, तो आगे देखते हैं, 2-3 महीने का, 2-3 दिनों का बोल के निकली है इस बार, अब देखते हैं कितने दिन वहाँ रहती है, क्या करती है, क्या होता है, इंकुड़ी का वहाँ कैसा हाल होगा, खुश रहेगी कि सैड हो जाएगी फिर से एक बार, देखते हैं आगे, देखते रहते हैं क्या क्या, हमको तो सीरियल देखना है, हम देख रहे हैं। देखिए वैसे मुझे इन बहनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, ढंग से कुछ समझ में नहीं आता है, एक तो ये निकली है पुतनिया निकली है, 2 इतने बड़े बड़े 2 क्यों 3 बैग थे उसके हाथ में, एक बड़ा सा सूटकेस था, इतना सारा सामान लेके निकली है और बोल रही है कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो इतना सामान लेके जा रही हूँ। उधर वो इसकी बड़ी बहन इंगुड़ी निकली है, वो एक ही बैग लेके निकली है, एक ही बैग है उसके पास, वो बोल रही है उसको वहीं रहना है कुर्तीसर के शहर में। अब इंगुड़ी की बात चली निकली है तो क्यों ना इंगुड़ी की भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाए, आखिर इंगुड़ी तो इंगुड़ी है। तो आप सब जानते हैं इंकुड़ी अभी लेटेस्ट निकली है कुर्ती सर के जो गांव है उसके आसपास के गांव के एरिया में गई हुई है वो, और बहुत खुश भी है, बाथरूम में खड़ी हुई थी और बोल रही थी ये यहाँ का मेरा फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे खड़े होकर मुझे ब्लॉग बनाने में, खाने पीने में, काम करने में बहुत मजा आता है, उठने बैठने में भी बोल रही थी। तो देखिये वो तो होगा ही, बाथरूम उसका फेवरेट प्लेस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, वो कुछ और प्लेस बताती मेरा फेवरेट है तो मुझे थोड़ी हैरानी होती। खैर तो बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है कि भाई इंगुड़ी मोटू के उससे कैसे चली गई, मोटू के उससे कैसे चली गई, मोटू तो अभी नर्सरी में है। तो ऐसा देखिए कैसे हुआ है मैं बताती हूँ, आप जानते ही हैं कि मोटू कोबरा कुर्ती सर का एकदम फेवरेट वाला स्टूडेंट है, एकदम फेवरेट वाला, और कुर्ती सर उसको 2 सालों से देख रहे हैं कि उनका फेवरेट स्टूडेंट जो है कमरा बंद करके और PC की फोटो देखते हुए बहुत ज़्यादा डोंगा भर के खा रहा होता, डब्बे भर भर के टिफिन लेके बैठा होता बेचारा, उसको टिफिन देके बंद कर दिया जाता है एक कमरे में, तो उनसे देखा नहीं जा रहा था। अब उनको इनविटेशन था, आप कहेंगे किस चीज का इनविटेशन था, सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में कई बार क्या होता है कि टेक मैराथन करके ऐसे कुछ सेमिनार्स वगैरह चलते रहते हैं ना, एक एक दो दो हफ्ते के सेमिनार्स चलते हैं, तो कुर्ती सर को इन्विटेशन था वहां पे, तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई मैंने बहुत कमा लिया है, मैंने कमा लिया इज्जत भी पैह भी। सर ने बोल दिया कि देखिए मैंने बहुत पैसा कमा लिए, मैंने बहुत इज्जत कमा ली, इस बार मैं नहीं आऊंगा, इस बार एक काम करते हैं
इस बार मेरा बायां हाथ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी वाले ने पूछा कि बायां हाथ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ठीक है बायां हाथ गया तो गया, फिर क्या होगा, मतलब वहां पे मोटू कोबरा क्या कर पाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं इसमें बहुत सीरियस डिस्कशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें होती है, बहुत ज्यादा ज्ञान दे के चले जाते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स आके। तो जब उतनी बड़ी ज्ञान की बात आप सुन रहे हैं, एक एक दो दो घंटे आपने सुन लिया, आपका दिमाग जो है ऐसा अकड़ जाता है एकदम। तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपने देखा होगा कि लास्ट में ऐसे कोई आता है ना, ऐसे से करो ऐसे से करो, दिमाग और बॉडी के अकड़ को खोलने के लिए मोटू को तो दिमाग और शरीर के अकड़ को खोलने के लिए मोटू कोबरा को वहां खड़ा करा जाएगा सामने, और मोटू कोबरा सबको एक्सरसाइज जैसे करवाते हैं, ऐसे से करो ऐसे से करो। तो ठीक है ना फिर इसलिए। तो देखिए जैसे कि मोटू कोबरा भी, देखिए मोटू कोबरा के भी हम लोग कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन मोटू कोबरा भी एक इंसान है, आप माने ना माने इंसान है। और मोटू कोबरा के दिल में भी अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे, जैसे हमारे इंकुड़े के दिल में आते हैं। मोटू कोबरा भी सोचता होगा कि अगर मेरी लाइफ में इंकुड़ी ना होती तो मैं एक गांव का लड़का गल्ले पे ही बैठा रह जाता, मैं कैसे बाहर घूमता, कैसे मैं कंटेंट बनाने के चक्कर में यहाँ से वहां फिर रहा होता। मतलब इंकुड़ी के चक्कर में उसको कितने बड़े बड़े मौके मिले लाइफ में, इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव, कभी एक महीने यहाँ कभी एक महीने वहां, है ना, कभी डीजेगंज में बढ़िया डांस परफॉर्मेंस देने को। मतलब जो मोड़ो की लाइफ में जो एक्साइटमेंट है ना वो इंगुड़ी की वजह से है, आप समझ लीजिए बस। और लास्ट में यही बोलेंगे कि जैसे कि कई बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है और कहना है कि पुतनिया जो है बहुत डरती है क्योंकि उसके राज कुछ डीजेगंज वालों के पास है, और हमने खुद ने सुना है इन लोगों को अक्सर उसके राज खोलने की धमकी देते हुए। ये लोग अक्सर बोलते हैं कि मैंने मुंह बंद करके रखा है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, ये है वो है। तो कुछ राज हैं जो छुपे हुए हैं, और पुतनिया को शायद ये लगता होगा कि अगर वो उनकी बात इशारों पर, डीजेगंज वालों के इशारों पर नाचती रहेगी तो उसके राज राज ही रह जाएंगे। तो मैं एक कड़वा सच जीवन का एक बार और बता रही हूँ कि जो लोग ब्लैकमेल करते हैं आपको आपके राज के लिए, आके राज खोल देंगे, जो ब्लैकमेल करते हैं ना वो ब्लैकमेल करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि उनको राज कभी ना कभी खोलना होता है आपका, कभी तो खोल देंगे। जब तक आपका फायदा हो रहा है, इस तरह से फायदा हो रहा है, इस तरह से फायदा लेते रहेंगे, अब वैसे फायदा होना बंद हो जाएगा तो राज खोल के फायदा लेंगे, उनको खोलना ही है। जो राज छुपाने वाले लोग होते हैं वो कभी ब्लैकमेल भी नहीं करते हैं, ये जीवन का कड़वा सत्य है। अब राज क्या है ये तो मैं नहीं बोलूंगी, ये डिपेंड करता है ननुए पे कि उसको राज खोलने से कितना फर्क पड़ता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर उस पर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर पुतन को डरना ही नहीं चाहिए, खुद बता देना चाहिए ननुए के वो वाले राज जो भी हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो जाती है, खुद बता दे उसको और फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर वो कभी उसको अपने इन्फ्लुएंस में ना ले पाएंगे। और अगर कोई ऐसा राज है कि ननुए पे फर्क पड़ेगा तो देखिए कल पड़ेगा, आज पड़ेगा, हमें कभी भी पड़ेगा ही फिर तो उसको फर्क, तो तब भी मेरे ख्याल से बोल देना चाहिए, जहाँ बता दे राज खत्म करो, क्या इतना लगा के। बाकी जो देखने वाले लोग हैं वो तो मजे लेते रहेंगे और उनको ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए क्योंकि इन लोगों पे उतना ही भरोसा करना है जितना आप एकता कपूर पे करते हैं, ये बस ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, बाय। हो सकता है कि मैं हाउस टूर दूँ बहुत जल्दी, हाँ हाउस टूर देती हूँ, चलिए फिर बाय।